पंचकर्म आयुर्वेद में वर्णित एक प्रकार की विशेष चिकित्सा पद्धति है जो कि आपके शरीर के दोषों को जड़ से निकालती है। आज मैं आपको पंचकर्मों में से एक कर्म के बारे में विस्तार से बताऊंगी जिसे विरेचन कहते हैं। नमस्कार, मैं आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल परम आनंद आयुर्वेद में करती हूँ। पंचकर्म क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। पंचकर्म यानी पांच कर्म, जिस चिकित्सा पद्धति के अंदर पांच कर्म आते हैं उसे पंचकर्म कहा जाता है। पंचकर्म के अंतर्गत वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ती और रक्तमोक्षण, ये पांचों कर्म आते हैं जो कि अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं। आज मैं आपको विरेचन के बारे में विस्तार से बताऊंगी। विरेचन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें आपके शरीर के दोषों को अधो मार्ग से बाहर निकाला जाता है, यानी आपके शरीर के दोषों को गुदा मार्ग से बाहर निकालना विरेचन कहलाता है। विरेचन में सबसे पहले घृतपान कराया जाता है, यानी पेशेंट को घी दिया जाता है जो कि मेडिकेटेड होता है। वो विद डॉक्टर कंसल्टेशन पेशेंट को घी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अगर फर्स्ट डे उसे 5 ml घी पीना है तो नेक्स्ट डे उसे 10 ml, ऐसे धीरे धीरे करते करते 3 to 4 days तक उसका घृतपान चलता है और डे बाय डे उसकी घी की क्वांटिटी इंक्रीज की जाती है। ये अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसके बाद जब उसमें लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे उसकी बॉडी में चिकनाई फील होना, उसको घी की ढकारें आना और उसे घी की स्मेल से हल्की हल्की इरिटेशन होने लग जाती है, तो ये समझा जाता है कि विरेचन के लिए पर्सन रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट डे उसका विरेचन कराया जाता है। विरेचन के अगर गुणों की बात करें तो विरेचन कफ और पित्त रोगों को दूर करने में सक्षम होता है, परंतु प्रधानतया यह पित्त रोगों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जिन लोगों को पित्त रोग की समस्या होती है या फिर जिन लोगों में पित्त दोष की अधिकता हो जाती है वह विरेचन करा सकते हैं। इसके गुण की बात करें तो विरेचन शरीर को बल और पुष्टि प्रदान करता है, यह रंग को भी निखारता है, इसके साथ ही साथ पित्त रोग को दूर करता है, यह जल्दी बुढ़ापे को पास नहीं आने देता। यानी जब आपके शरीर के दोष दूर हो जाते हैं तो बुढ़ापा आपके नजदीक भी नहीं आता। अब हम बात करेंगे कि यह कौन कौन करवा सकते हैं। जिन लोगों में पित्त दोष की अधिकता होती है वह लोग विरेचन करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ उदर रोग यानी पेट से संबंधित रोग, उसके बाद जीर्ण ज्वर यानी जिसको क्रॉनिक फीवर होता है, उसके अलावा जिसको कृमि रोग, और इसके साथ ही साथ उन्माद यानी जिसको पागलपन की समस्या होती है, तो ये सारे लोग विरेचन करवा सकते हैं। परंतु विरेचन की क्रिया होने से पहले उन्हें डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से लोग विरेचन नहीं करवा सकते। जो लोग अत्यंत वृद्ध होते हैं, अत्यंत कमजोर होते हैं और गर्भवती स्त्री या फिर लैक्टेटिंग मदर, ये नहीं करवा सकते विरेचन। इसके साथ ही साथ जिनको राज यक्षमा यानी जिनको टीबी की प्रॉब्लम है उन्हें भी विरेचन की सलाह नहीं दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि विरेचन के बाद हमें किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए। हमें विरेचन के बाद आहार डॉक्टर के बताए अनुसार ही करना चाहिए। विरेचन के बाद चिकित्सक आपको एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि 7 days का होता है, जिसे फॉलो करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए क्योंकि विरेचन के बाद आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे या फिर चिकित्सक के बताए अनुसार आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको कुछ परेशानियाँ भी हो सकती हैं, इसीलिए आहार चिकित्सक के अनुसार ही करें। यहाँ कुछ और भी बातें होती हैं जो विरेचन के बाद रोगी को ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि विरेचन के बाद रोगी को रात्रि जागरण यानी रात में जागना और दिन में सोना यह अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा विग्रस एक्टिविटी यानी बहुत ज़्यादा बाहरी काम नहीं करना चाहिए। उसे बहुत तेज तेज बोलना, बहुत ज़्यादा देर तक बैठना और बहुत ज़्यादा देर तक लेटे रहना, ये सारे काम नहीं करने चाहिए। जहाँ तक संभव हो व्यक्ति को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि विरेचन के बाद एक व्यक्ति को फॉलो करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि विरेचन की क्रिया पूर्ण रूप से सफल हो सके। मेरी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
ताकि अगली बार मैं कोई भी स्वास्थ्यवर्धक वीडियो लेकर आऊं तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगर आप पंचकर्मा की पूरी वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर पंचकर्मा की पूरी वीडियो देख सकते हैं। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।